हाय फौजिया। हेलो। तो एक्सपीरियंस मैनुअल से ऑटोमेटिक बोलो, और सबसे पहले सीखे थे कहीं और? जी हाँ। तो वो एक्सपीरियंस, सेकेंडली आपको क्या करना पड़ेगा जब आपको गाड़ी सीखना है? लास्ट टू डेज पे हम लोग ने आपकी ऑटोमेटिक कार ली है, आज आपने दिल से कार चलाई है, मतलब बहुत अच्छा चलाया। 9 डेज, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, शुरुआत के 9 डेज आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था। जब देखो, जब आप कोर्स के लिए आते हो ना, तो सीरियसनेस लिया करो। फौजिया हेलो। तो एक्सपीरियंस मैनुअल से ऑटोमेटिक बोलो, और सबसे पहले सीखे थे कहीं और? जी हाँ। तो वो एक्सपीरियंस और मेरे पास क्या मिला? सेकेंडली आपको क्या करना पड़ेगा जब आपको गाड़ी सीखना है? लास्ट टू डेज पे हम लोग ने आपकी ऑटोमेटिक कार ली है, आज आपने दिल से कार चलाई है, मतलब बहुत अच्छा चलाया। 9 डेज, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, शुरुआत के 9 डेज आपने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया था। जब देखो, जब आप कोर्स के लिए आते हो ना, तो सीरियसनेस लिया करो। जब कोर्स के लिए आते हो तो गाड़ी को सीरियस लिया करो। आप कोर्स लगाओगे और 4-5 छुट्टी लोगे और फिर वो नहीं जमता है। हर ट्रेनर ऐसे नहीं होगा कि आपके ऊपर काम करेगा। That's true. हाँ, तो मैंने एक ही सोचा था, नहीं तूने 20 दिन का ट्रेनिंग लिया है तो तुझे रिजल्ट ज़रूर मिलना चाहिए। तूने किसी और का रिव्यू देख के तो मेरे पास आई थी कि नहीं अर्चना, किसी और का रिव्यू मैंने पढ़ा है, डांट ज़रूर खाऊंगी पर सीख जाऊंगी, ये भरोसा तूने मेरे पे रखा था। इसलिए मैंने, देखो मैं समझ सकती हूँ कि लेडीज़ के प्रॉब्लम्स होते हैं, छुट्टियाँ होती है, पर उसमें भी मैंने तो सोच, मैंने लास्ट 4 दिन के बाद अगर तुझे सीरियस नहीं लेती, तुझे आज ये गाड़ी आती? नो, विद कॉन्फिडेंस आई कैन से नो। हाँ, मतलब फिर से तुझे 20 दिन का कोर्स करना पड़ता? या 100%। तो ये चीज मत करो। अगर आपने पेमेंट किया है, अगर आपको भी करना है, तो आप ये काम को इम्पोर्टेंस दो। मुझे तेरे में ये चीज नहीं पसंद आई जो तूने नहीं दी। फैक्ट है। पर मैंने फिर भी क्या सोचा, नहीं जाने दे, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, पर मेरे भी प्रॉब्लम्स होते हैं, मुझे भी क्लाइंट्स कवर करने पड़ते हैं। मेरा भी एक टारगेट रहता है कि एक 20 दिन का कोर्स मैं ज़्यादा से ज़्यादा 26 दिन तक ख़त्म कर सकती हूँ, उसके आगे मेरा भी एक लिमिट है। तो हाँ, तो सीरियस नहीं लिया था तूने, पर आपने मेरे साथ बहुत पेशेंटली काम किया है, दैट आई रियली अप्रिशिएट। क्योंकि तेरे स्माइल ट्रेनर से तो मैंने लाइक 25% भी मेरा कवर नहीं हुआ। जो मुझे अर्चना मैम ने बोला वो तो मैंने बिल्कुल भी, मुझे मालूम नहीं था बेसिक, एंड शी हैज रियली वेरी वेल, लाइक कोऑपरेट तो करती है बट वेरी गुड, लाइक अंडरस्टैंडिंग पूरा। तुमको, तुम बोलोगे मैं छोड़ दूंगी, लेकिन उनको लगता है 100% नहीं है मेरे जैसा, तो शी विल वर्क आउट, करो और एक करो, दो करो, शी इज रियली सुपर। सिर्फ डांट खाते हैं बट आफ्टर डांट गाड़ी भगाते हैं हम। दैट्स इट पॉइंट। यही चाहिए रहता है कि दिल से चलाओ, दिमाग से चलाओ, जबरदस्ती। बट शी रियली रियली गिव हर एफर्ट्स, बहुत एफर्ट्स डालते हैं हमारे पर, एज ए उसके कस्टमर हम हैं वो, बट शी रियली वर्क्स हार्ड फॉर दैट, कि वो रिजल्ट चाहिए उनको, परफेक्ट चाहिए। टाइम एंड मनी मेरे इसमें तो वो देखा ही नहीं उनको, क्योंकि मैं किसी की रिव्यूज की आई थी कि मुझे लगा 100% कॉन्फिडेंट थी मैं कि अगर अर्चना मैम ने मुझे सिखाया तो आई विल डेफिनेटली, मुझे गाड़ी आएगी, विद कॉन्फिडेंस मैं चलाऊंगी ऑन द रोड। टुडे आई हैव दैट कॉन्फिडेंस कि मैं चल सकती हूँ, चला सकती हूँ विदाउट एनी ये। सो वेरी बिग थैंक्स टू हर, आई रियली अप्रिशिएट कि वो कूल डाउन पेशेंट है, मुझे मार तो खाना नहीं पड़ा, डांट सुनी हूँ मैंने। सो वो भी 10 दिन के बाद, आफ्टर 10 डेज। या मैं यही बोलती हूँ, 10 दिन में पेशेंस रखती हूँ। जैसे आपका कोर्स खत्म होने को आया और मुझे रिजल्ट नहीं जमा, तो आपका कुछ खैर नहीं। बट शी रियली वर्क्स हार्ड, शी इज अ रियली रियली, अगर आपको सीखनी है कार विद अर्चना, दैट्स इट, आई कैन गिव ओनली वर्ड, ऑसम, पूरा परफेक्शन अर्चना फॉर कार ट्रेडिंग। कुछ भी हो वो आपको परफेक्ट करवा की रहेगी, भले आपको छोड़ना भी क्यों ना हो, शी विल डू इट। मेरा नाम लगा, यू हैव टू डू इट, ऐसा है, मेरा नाम लगा, तो क्योंकि शी इज वेरी गुड। मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए,
मुझे मेरे साथ मेरा अच्छा नाम चाहिए क्योंकि एक्चुअली मैं नाम पे एकदम आई हूँ, रिव्यूज पढ़ा नाम पे आई हूँ एंड शी हैज बर्थ दैट हम वो है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं, बर्थ है अर्चना, मतलब कार सीखना सीरियसली और कैसे भी वो तुमको आएगी आएगी, भले वो 26 डेज आगे जाएंगे बट शी विल डू इट कॉन्फिडेंटली आई एम टेलिंग यू. जो मतलब मैं डरती थी पहला कि कर चलो लीनली ले आता, बट शी नो यू हैव टू डू इट. अकेले जाएगी तो कैसे करेगी, तो एक बिल्डअप करते हैं वो अंदर अपने में कि कॉन्फिडेंस लाते हैं, वो डर निकालते हैं. मुझे बहुत डर लगता था, बोले चलो इतनी गली आ गई ना, आई कैन डू इट, आई विल डू इट दिस मच ओनली, वो मेरे लिमिट्स थे. बट शी हैज पुश्ड मी बियॉन्ड दैट लिमिट्स, लाइक नहीं कहीं भी तो कभी भी चला सकती है, ऐसा मेरा स्टूडेंट है तो कहीं भी कर सकती है, तू कर सकती है. ये था उनका मेन मतलब, ये है एज पर कंपैरिजन बाहर के ट्रेनिंग स्कूल या कोई भी और या आपने पहले सीखा. बहुत जन मुझे बोलते हैं कि रेट मेरे रेट में कॉम्पिटिटिव शी इज लाइक, इतना ज्यादा कुछ नहीं मुझे ये पड़ा क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट इतना है पिया ओनली फॉर 20 मिनट्स एंड दैट टू भी मैं बताऊं फ्रेंकली उनके कार में उनके पैर के पास क्लच एंड ब्रेक नहीं होता है. जो मेरा पहला ट्रेनर था उसके पैर के पास था, वो कंट्रोल करता है. हर के ट्रेनिंग स्कूल या कोई भी और या आपने पहले सीखा. बहुत जन मुझे बोलते हैं कि रेट मेरे रेट में कॉम्पिटिटिव शी इज लाइक, इतना ज्यादा कुछ नहीं मुझे ये पड़ा क्योंकि मैंने भी ऑलमोस्ट इतना है पिया ओनली फॉर 20 मिनट्स एंड दैट टू भी मैं बताऊं फ्रेंकली उनके कार में उनके पैर के पास क्लच एंड ब्रेक नहीं होता है. जो मेरा पहला ट्रेनर था उसके पैर के पास था, वो जो कंट्रोल करता है. फिर मुझे समझने का यह मैंने किया है तो वो मेरा ऐसे कॉन्फिडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हुआ. बट एक्चुअल जब मैं चलाने गई तो आई वॉज नथिंग, मुझे कुछ नहीं आया क्योंकि सब जो मेरे कार में मेरे पैर के पास था, मेरे बाजू वाली सीट में नहीं था. तो शी इज दैट के एक पॉइंट प्लस पॉइंट है, प्लस प्लस वेरी प्लस पॉइंट कि उनके पैर के पास कुछ नहीं, जो भी है वो तुम फर्स्ट डे से चलाते हो. And I really appreciate बराबर से 45 मिनट्स जो मैं बताती हूँ आपको, 15 मिनट्स मेरा सिखाना होता है, हाफ एन आवर आपसे प्रैक्टिस लिया जाता है. तो इसलिए वो कवर हो जाता है. तो आप आपके दिमाग से और दिल से चलाते हो पेशेंटली. शी विल ना रिपीट, वो जो थियोरीज बताते हैं ना वो रिपीट करते रहते हैं, 1 2 3 4 4 लेफ्ट राइट कर कर ऐसा कर, मतलब शी विल दिमाग में वो ना पूरा डालते हैं. अगर रात में भी अगर आप उठते हैं तो बराबर आप कर सकते हो. मतलब रात को अर्चना याद आ रही थी कुछ कुछ जरूर. कंटिन्यू करना, मुझे बेटी को छोड़ते समय तू दिखनी चाहिए और हाई करनी चाहिए. यस हाय अर्चना, बिना कंटिन्यू छोड़ के थैंक यू सो मच. Bye. Bye. Love you. The guy who speed breaker tab. Baga. इसके बाद जो ब्रेक करोगे पीछे कैमरा चेक करके हो. अभी देख, अभी अंदाजा ले. मैंने बहुत भगाया है तो अभी यहाँ से स्लो डाउन छोड़ दे. एक्सीलेटर ब्रेक को दो और जोर से थोड़ा और ये कंट्रोल हुआ. देख अभी तेरा स्पीड कितना हुआ. कितना था? 60-70 था. डिस्टेंस बहुत पहले से तूने कवर किया. ये होता है भागने के बाद कंट्रोल. क्लच पे कंट्रोल ओनली, नो एक्सीलेटर इन स्लो. बेटा क्या क्या सिखाया था पार्किंग में, क्या सिखाया था, कौन से एरिया में आना, इधर या उधर, किधर करना, तुझे जहाँ करना है कर, गाड़ी बंद करके कर बस. ये सोचो कि हर एक ब्लॉक में गाड़ियां हैं, आपको गाड़ियों के बीच में घुसना है बस. अभी जजमेंट ले आगे का. हाँ अभी पहले क्या आएगा बोल, पहले क्या बताओ, चेंज करोगे पहले गियर चेंज, फिर स्टेरिंग किधर, नसीब करो. देखा तेरी गाड़ी हिले, क्या कर दी है यार. क्या बोला था मैंने, क्या बोला था आपको, स्टीयरिंग और बाद में मूवमेंट ना,
पार्किंग में जरा भी इधर उधर नहीं चलेगा, तेरी बाजू की गाड़ी को लग गया, देख डिस्टेंस कवर कर, इतना मेंटेन होना जरूरी है ताकि तू ब्रेक दबाए तो पीछे वाले को भी अच्छे घर मिले। यस अभी सिग्नल, हाथ उठा के बेटा, अभी दिस इज लेफ्ट टर्न। समझा एक हाथ से क्यों नहीं घूमता स्टीयरिंग तुम लोग का, अगर घुमाना है ना तो एक हाथ से थोड़ा सा वजन देके उतना राउंड कंप्लीट होना जरूरी, क्योंकि यहाँ पे ओनली ऑटोमेटिक में क्लच एंड ब्रेक है, तो स्पीड भी तुझे वो सामने कोई नहीं था तो लेना जरूरी था। आगे से सर्कल से राइट,